टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की ऐसी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें चोर पीपीई किट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये व्यक्ति कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक चोर है। दिल्ली के अंजलि ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े रहे और छत के रास्ते से पीपीई किट पहनकर चोर करीब 20 करोड़ के सोने के जेवर लेकर भागने में कामयाब रहा। चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सीसीटीवी देख चोरी करने के तरीके पर पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस के मुताबिक साल की अब तक सबसे बड़ी चोरी की घटना है। अंजलि शोरूम में काम करने वालों की लिस्ट पुलिस ने मंगवाई तो पता चला कि शोरूम में काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन शेख नूर रहमान 10 दिन की छुट्टी पर गया है। पुलिस को नूर रहमान पर शक हुआ और उसके मोबाइल लोकेशन और गुप्त जानकारी पर 20 करोड़ की चोरी की घटना को पीपी किट पहनकर अंजाम देने वाले शेख नूर को पकड़ लिया गया, वो भी महज 24 घंटे के अंदर। चैलेंज पुलिस के लिए हमेशा है कि तरह तरह के नए नए इसमें तरीके, साइबर ऑफेंस वगैरह आप जानते हैं, लेकिन आईटी के अलावा अब ये जो पीपी किट और ये जो नकाब है ये एक दूसरा चैलेंज कर दिया। एक नया नॉर्मल है हम लोग के लिए काम करने के, दिल्ली पुलिस के लिए। और हम लोगों ने दिखाया कि ये सब के होने के बावजूद भी कैसे एक टोटली ब्लाइंड केस था उसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है। ये ठिकाना एक जगह पे था, इसके कोई जानकार कहीं पे दिल्ली में ही वो था जहाँ पे वो रह रहा था और वहाँ पे वो रखा हुआ था और वो आज वो निकल जाता वेस्ट बंगाल।